Hey guys, welcome back to the channel, and this is a brand new segment of RJ Academy, BAATCHEET. इस सेगमेंट के अंदर बातचीत करेंगे केमिस्ट्री के बारे में या फिर केमिस्ट्री जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में. और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है CSIR NET JRf Chemical Science Exam. इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक परफेक्ट प्लान के बारे में जिसको अगर आपने फॉलो किया तो ना सिर्फ आप लोग CSIR NET JRf को क्वालिफाई करने वाले हो बल्कि आपकी एक अच्छी रैंक भी आ सकती है. RJ Academy एक ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिशन है केमिस्ट्री पढ़ने वाले हर बच्चे तक केमिस्ट्री को पहुंचाना. अगर आप हमें इस मिशन में सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल RJ Academy को सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकॉन को प्रेस करो और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. हो सकता है आपका एक शेयर किसी की हेल्प कर दे. CSIR यानी काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो CSIR UGC नेट के एग्जाम को कंडक्ट कराए और वो NTA के थ्रू इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है. CSIR नेट का एग्जाम आप साल में दो बार दे सकते हो. एक बार ये एग्जाम जून में होगा और सेकेंड टाइम ये दिसंबर के अंदर होता है. CSIR नेट की रिजल्ट आपको दो वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा. नेट के लिए अलग कट ऑफ आती है, JRf के लिए अलग कट ऑफ आती है. अगर आपने CSIR नेट को क्वालिफाई किया तो आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए लेक्चरर ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. लेकिन अगर आप लोगों ने JRf कट ऑफ क्लियर किया तो आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी PhD को स्टार्ट कर सकते हो और आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिलेगा. एज लिमिट यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नेट को क्रैक करने के लिए आपके पास यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है. अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हो और जनरल या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज JRf के लिए 28 ईयर्स है. इसका मतलब 28 ईयर्स के बाद आप लोग JRf सर्टिफिकेट की हेल्प से PhD के अंदर एंट्री नहीं ले सकते और ना ही आपको कोई स्टाइपेंड मिलेगा. लेकिन अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हो या फिर SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है और 33 ईयर्स तक आप लोग JRf सर्टिफिकेट की हेल्प से PhD के अंदर एंट्री ले सकते हो और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा. अगर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मिनिमम 55% लाने पड़ेंगे अपने MSc के अंदर, और जो बच्चे SC ST या फिर PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहां पर 5% का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है. यानी कि 50% उनको मिनिमम टू मिनिमम अटेंड करने पड़ेंगे अपनी MSc के अंदर. बाकी सभी इंफॉर्मेशन को डिटेल्स में देखने के लिए आप लोग CSIR नेट की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो, www.csirnet.nta.in. ये वेबसाइट आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी. इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोग बाकी सभी रिक्वायरमेंट्स को भी देख सकते हो. CSIR नेट का एग्जाम पैटर्न इस एग्जाम को बाकी सभी एग्जाम से डिफरेंट और यूनिक बनाता है, और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी एक सेलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए और वहीं आपको स्मार्टली अपने टॉपिक्स को पिक करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है. CSIR नेट एग्जाम के अंदर केमिस्ट्री की तीनों ही ब्रांचेस, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, और तीनों ही ब्रांचेस को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है. अब बात करते हैं कि आखिर इस पेपर का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है. तो इस पेपर के अंदर आपको तीन पार्ट देखने को मिलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी. पार्ट ए के अंदर आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पार्ट ए के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड आउट ऑफ दिस 20 आप लोग मैक्सिमम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. हर एक करंट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और हर एक नेगेटिव आंसर के लिए आपके टोटल स्कोर में से -0.5 मार्क्स हो जाएंगे. पार्ट बी के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसके अंदर से आप लोग मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे +2 मार्क्स और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके टोटल स्कोर में से माइनस हो जाएंगे 0.5 मार्क्स. पार्ट सी के अंदर आपको टोटल 60 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसके अंदर से आप मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इस पार्ट के हर एक क्वेश्चन होता है 4 मार्कर क्वेश्चन. अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो 4 मार्क्स आपके, लेकिन अगर आपका पार्ट सी का एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपके टोटल स्कोर के अंदर से -1 मार्क्स हो जाएंगे. इसका मतलब टोटल क्वेश्चन पेपर के अंदर 360 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर से 40 मार्क्स के क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होंगे और 320 मार्क्स के क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, और ये 320 मार्क्स तीनों ही ब्रांचेस के अंदर इक्वली डिवाइडेड होंगे. इसका मतलब फिजिकल भी समथिंग अराउंड 107 मार्क्स की आएगी, ऑर्गेनिक भी समथिंग अराउंड 107 मार्क्स की आएगी, और इनऑर्गेनिक भी समथिंग अराउंड 107 मार्क्स की आएगी, जिसके अंदर से आप लोग मैक्सिमम 170 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो. तो इस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम लोग सारा सिलेबस नहीं पढ़कर सेलेक्टिव सिलेबस को पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए फिजिकल और इनऑर्गेनिक के ऊपर पूरा फोकस करेंगे. फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 14 यूनिट्स हैं और इन 14 यूनिट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे
आरजे एकेडमी के YouTube चैनल के ऊपर, और हर एक चैप्टर को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। और काफी ज्यादा लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं आरजे एकेडमी के YouTube चैनल के ऊपर। बाकी डेली बेसिस के ऊपर और भी वीडियोस आ रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास टोटल 12 यूनिट्स हैं, लेकिन इसके अंदर से अगर आपने 5 इंपॉर्टेंट यूनिट्स को पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायो इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो आप एग्जाम के अंदर से इनऑर्गेनिक ब्रांच से 50-70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने इन 5 यूनिट्स को पढ़ लिया तो 60 मार्क्स तक की प्रिपरेशन आपकी इनऑर्गेनिक ब्रांच से हो जाएगी। फिजिकल से पढ़ेंगे 107 मार्क्स के लिए, और 60 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक ब्रांच से, तो टोटल हम लोग यहाँ पर 170 मार्क्स के अराउंड प्रिपरेशन कर जाएंगे। और जनरल कैटेगरी की JRf कट ऑफ जनरली 115 मार्क्स तक के लिए जाती है। तो प्लान बहुत सिंपल है, फिजिकल के ऊपर फोकस करेंगे, कोऑर्डिनेशन के मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे, 170 मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे और 130 प्लस स्कोर करेंगे। और अगर आप लोगों ने इन 170 मार्क्स की प्रिपरेशन ईमानदारी से की तो आप लोग इजीली 130 मार्क्स से लेकर 150 मार्क्स तक स्कोर कर पाओगे। लेकिन एक प्रॉमिस आपको अपने आप से ये करना पड़ेगा कि जिस भी टॉपिक को आप लोग पढ़ रहे हो, जिस भी यूनिट को आप लोग कवर कर रहे हो, उसको कंप्लीटली आपको पढ़ना पड़ेगा, 100% आपको उसको कंप्लीट करना। आरजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको यूनिट्स कवर कराई जाएंगी सीरीज वाइज, आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे और साथ में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दी जाएंगी, ताकि आप लोग घर बैठे भी अपनी तैयारी कर सको। अगर आपके पास 12th क्लास के अंदर बायोलॉजी थी या फिर आपकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थी, उस केस के अंदर भी आप लोग फिजिकल के ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो काफी ज्यादा डायरेक्ट होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप आराम से फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर सही आंसर तक निकाल सकते हो। नेगेटिव मार्किंग स्कोर करने की सबसे कम पॉसिबिलिटी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में होती है। इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आपको ज्यादा स्कोर भी करा सकती है और कम नेगेटिव मार्क्स भी इसको करा कर देगी। बस आपको हर चीज बिल्कुल बेसिक से लेकर पढ़ना है, आपको हर एक फॉर्मूले के डेरिवेशन तक जाना है, कौन सा फॉर्मूला कब आ रहा है उसके बारे में आपको जानना है। और आरजे एकेडमी आपके लिए एक ऐसी ही लेक्चर सीरीज लेकर आया है। आपको आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे लेक्चर सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है तो थर्मोडायनामिक्स आपको लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 34 तक पढ़ाया जाएगा, और आपको हर चीज बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी। आरजे एकेडमी के ऊपर आप लोग क्वालिटी स्टडी मटेरियल देख सकते हो, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, और साथ ही साथ अपने सभी डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो CSIR नेट एग्जाम क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया, एक परफेक्ट प्लान आपके साथ मैंने डिस्कस किया, उसके बाद स्टडी मटेरियल कहां पर मिलेगा उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आरजे एकेडमी के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग यहां पर क्लिक कर सकते हो। और जाते जाते फिर से बोल रहा हूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वहां पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लो, साथ ही उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप लोग बातचीत की नेक्स्ट वीडियो ना मिस कर सको। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।